और प्रेम वो शय है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। तो इस भावना को मैंने शब्द देने की कोशिश की है। प्रेम कब मोहताज हुआ? अभिव्यक्ति का। और अभिव्यक्ति कब मोहताज हुई? शब्दों की। तुम्हारे प्रेम ने कभी नहीं पहना प्रदर्शन का लिबास। ये असीमित होते हुए भी सदैव मर्यादा और स्थिरता के स्वर्ण आवरण में लिपटा रहा। तुम्हारे इसी प्रेम के अथाह सागर की गहराई को अनगिनत बार नापा है मेरे दिल की स्पंदित धड़कनों ने। तब भी जब तुम अनजाने में प्रकट करते हो उस गहराई को जिसे नापने का सामर्थ्य किसी विज्ञान में नहीं, मेरे दर्द को मुझ तक पहुंचने से पहले पहुंचते रहे, मेरे और दर्द के बीच दीवार बनकर, मेरे एहसासों को मेरी सांसों में घुलने से पूर्व समेट लेते हो अपनी सांसों में। कभी अपनी अपेक्षाओं को विस्तार नहीं दिया तुमने, मेरे प्रेम को असीमित पंख देकर सहलाते रहे मुझे। अपने मौन संवादों की मखमली चादर में छिपा मुझे बाहरी कटाक्षों के थपेड़ों से बचाते रहे। मेरे स्वप्नों को उड़ानों का आसमां देकर मेरे साथ प्रेम के इंद्रधनुष में विचरते रहे, मेरी हथेलियों को थामे। और मैं जग से हार कर जब जब तुम्हारे हृदय के शांत समंदर में डुबकी लगाती हूं, तब तब मुझ में अभिसिंचित होती हैं वीणा के तारों की स्वर लहरियां, जो पुनर्जीवित करती हैं मुझे, कि जैसे शुष्क धरती को मिले शिव की जटाओं से अवतरित गंगा और प्रस्फुटित हों नई कौपलें। कभी मन करे तो देखना अपना ये अद्वितीय, अद्भुत और अनुपम हुनर जो मेरी मुस्कान में पलता है जब जब दृष्टि डालते हो मुझ पर, जब जब दृष्टि डालते हो मुझ पर। धन्यवाद।